कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है किसान आंदोलन के मद्देनजर। आंदोलन पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, प्रदेश के सभी किसान संतुष्ट हैं, कुछ लोग आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। कहना है कैबिनेट मंत्री का, केंद्र सरकार बातचीत करने को भी तैयार है, सरकार की तरफ से सम्मान निधि दी जा रही है और प्रदेश का 80% किसान 2 से 3 एकड़ जमीन का मालिक है। कंवरपाल गुर्जर ने साथ ही साथ कहा कि प्रदेश में 14 फसलों पर MSP खरीद होती है, फल और सब्जियों के लिए बीमा योजना भी प्रदेश में चलाई जा रही है। किस तरह हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में तमाम कार्य किए गए हैं, पिछले एक दशक के दौरान मनोहर सरकार के दौरान उनको भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहां रखने का काम कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से किसान के हित में सरकार ने निर्णय लिए, तो मैं समझता हूँ कि किसानों का कहीं उसको समर्थन नहीं है और ये जो सारा का सारा है ये केवल आंदोलन के लिए आंदोलन है और ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो इस बात से सहमत नहीं है। और वर्तमान में सरकार ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जारी की और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो सरकार एक साल में 6,000 रुपये दे रही, तो जो 2, 2.5 और 3 एकड़ तक का किसान है और जब जो कि बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ 80% किसान जो है वो इसी स्तर का है, तो उसका जो खाद का और दवाई का था पैसा वो सरकार ने दे दिया, तो उससे उसने बड़ी राहत महसूस की। और हरियाणा में जिस प्रकार से MSP पे लगभग 14 फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं और 52 भरपाई योजना के तहत जिस प्रकार से चाहे वो सब्जी के विक्रेता हैं और चाहे सब्जी के उत्पादक हैं और चाहे वो फलों के उत्पादक हैं, तो उनको जिस प्रकार से सरकार ने मदद की, तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग सेटिस्फाई हैं, किसान की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस बात के लिए तैयार है और सरकार ने कल भी बातचीत की।